लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व की आज आखिरी आहुति देश के 8 राज्यों की 57 सीटों पर डाली जा रही है। सातवां और आखिरी चरण आज हो रहा है और अब से कुछ घंटों के बाद जब मतदान खत्म होगा तो हम आपको एग्जिट पोल भी बताएंगे, पोल्स ऑफ पोल्स भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले 9 बजे तक का जो मतदान सामने आया है, जरा इसको आप देख लीजिए कि 57 सीटों पर मतदान का क्या प्रतिशत है। तो अब तक 11.31% वोटिंग हो चुकी है सातवें चरण में। हिमाचल प्रदेश में 14.35, पंजाब में 9.64% वोटिंग हुई, यूपी में 12.94%, बिहार में 10.58, ओडिशा में कम वोटिंग हुई है 7.69% ही मतदान अब तक उड़ीसा में हुआ है, झारखंड में 12.15, वाराणसी में 12.66%। तो ये आपको हम वोटिंग का परसेंटेज बता रहे हैं। चंडीगढ़ में भी 11.64% वोटिंग हो चुकी है। तो 2 घंटे बाद अब ये वोटिंग परसेंटेज सामने आएगा, तब हम आपको अपडेट भी देंगे। लेकिन वाराणसी सबसे बड़ी सीट, सबसे महत्वपूर्ण सीट और इस सभी 57 सीट में से सबसे हॉट सीट इसे कहा जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार वाराणसी से मैदान में हैं और 12.66% मतदान अब तक यहां पर हो चुका है। सुबह 7 बजे से ये मतदान शुरू हुआ, 2 घंटे के मतदान का प्रतिशत आपको बता रहे हैं। लेकिन अभी ये आंकड़ा बढ़ेगा, निश्चित तौर पर बढ़ेगा, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है, ये 2024 के चुनाव की जो तस्वीरें आपने देखी हैं मार्च से लेकर अब तक, और 19 अप्रैल को जो पहला चरण था उसके बाद लगातार यहां पर एक एक करके चरण चलते चले गए। अब आपको 4 तस्वीर दिखाते हैं क्योंकि ये तस्वीरें आपको एहसास दिलाएंगी कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज क्या कुछ खास है। सबसे पहले आप ये देखिए कि आज लालू प्रसाद यादव और उनके पूरे परिवार ने मतदान किया है, आरजेडी के सुप्रीमो हैं, वो यहां पर वोट करते हुए नजर आए। मिथुन चक्रवर्ती ने भी अपना फर्ज निभाते हुए कहा है कि मैंने अपना फर्ज निभा दिया है। कंगना रनौत बीजेपी की उम्मीदवार मंडी से, इन्होंने भी वोट किया है। और भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी सरकार चला रहे हैं, इन्होंने भी वोट कर दिया है। तो पंजाब की सभी 13 सीटें, हिमाचल प्रदेश की सभी सीटें और इसके साथ उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के तमाम सीटों को अगर मिला दिया जाए तो कुल 57 सीटों पर मतदान किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की पूर्वांचल सबसे महत्वपूर्ण है, आज वहीं पर मतदान हो रहा है। लेकिन ये 4 तस्वीर अगर आप देखेंगे तो बिहार में लालू प्रसाद यादव अपने परिवार के साथ यहां पहुंचे, राबड़ी देवी ने भी वोट किया, मीसा भारती ने भी वोट किया, मिथुन चक्रवर्ती ने भी पश्चिम बंगाल में मतदान किया, कंगना रनौत, भगवंत मान की ये तस्वीर आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो आखिरी चरण है, सातवां चरण है और सातवें चरण तक आते आते चुनाव कितना खास हो गया। हमारे साथ हमारे चैनल यानी कि विस्तार न्यूज आपके अपने चैनल के एडिटर इन चीफ ब्रजेश राजपूत जी जुड़ रहे हैं। सर बहुत स्वागत आपका, और सबसे बड़ी बात है कि हम ग्राउंड पर भी चलेंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश से हमारे सहयोगी जुड़ेंगे जो आपको बताएंगे पूर्वांचल का हाल, और दिल्ली से हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे सहयोगी अमृत जोशी, आपको बताएंगे कि किस तरह से लगातार दिल्ली की ये लड़ाई अब बढ़ती गई और आज आखिरी पड़ाव है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के रेजिडेंट एडिटर आदर्श सिंह भी जुड़ गए हैं, दिल्ली से अमृत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अमृत तिवारी। लेकिन सबसे पहले शुरुआत ब्रजेश जी आपसे ही करते हैं, ये पूरा सातों चरण आप देख रहे हैं, आपने बखूबी समझा है, आज का दिन भी महत्वपूर्ण है, कैसे आप इस चुनाव को देखते हैं? नहीं, निश्चित ही विवेक, बड़ी खास बात है कि आज वो जो 18वीं लोकसभा के लिए जो पिछले 2 महीने से कवायद चल रही थी उसकी तकरीबन आज पूर्णाहुति कहेंगे, कि जो मतदान वोट डालने के लिए जो अभियान चलाया था, लोग उत्सुक थे अपनी नई सरकार बनाने के लिए, नई सरकार चुनने के लिए, अपना नेता चुनने के लिए, तो उसका आज अंतिम दौर है, आज 7वां चरण है। इसके बाद वोटिंग खत्म हो जाएगी, शाम तक एग्जिट पोल यानी मतदान बाद नतीजे आ जाएंगे और 4 तारीख को चुनाव परिणाम भी सामने आएंगे। तो इस प्रकार एक 18वीं लोकसभा तय हो जाएगी और उसके बाद हमारे सांसद अपना नेता चुनेंगे, प्रधानमंत्री चुनेंगे। और एक बात और बड़ी बात हुई कि हम लोग अपना प्रधानमंत्री नहीं चुनते, हमारी वो संसदीय प्रणाली इस तरीके की कि हम लोग अपना सांसद चुनते हैं, हमारे लिए सांसद महत्वपूर्ण होता है। सांसद अपने में से जो सबसे बड़ा दल होता है अपना नेता चुनता है और सबसे बड़ी पार्टी के सबसे बड़े दल को नेता चुना जाता है जो प्रधानमंत्री होता है। मगर इस 18वीं लोकसभा चुनाव का जो आखिरी चरण है यानी 7वां चरण है, इसमें सबसे खास बात यह है कि आप देखिए इस आखिरी चरण में ही प्रधानमंत्री मोदी खुद चुनाव मैदान में है, बनारस से लगातार 3री बार चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पे बड़ा
ऐसा चुनाव है जिस पर सबकी नज़र है, और उस पूरे चुनावी फैक्टर में खास बात यह है कि वहाँ पे जो तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी हैं बनारस से, और तीसरी बार ही उनके खिलाफ जो प्रत्याशी हैं अजय राय जो यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं उनके खिलाफ लगातार तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। बनारस में मोदी जब 2014 में आए थे, उसके बाद 2019 में आए और अब 24 में भी हैं, हर बार उनका जो जीत का अंतर था उन्होंने लगातार बढ़ाया, तो इस बार देखना है कि वो जीत का अंतर कितना ज़्यादा बढ़ा पाते हैं। बिल्कुल, जीत का अंतर तो बड़ा था और तकरीबन 10% से ज़्यादा का अंतर देखने को मिला था पिछली बार से 2014 से 19 के बीच वाराणसी का लोकसभा चुनाव पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हम सीधे रुख करते हैं उत्तर प्रदेश, जहां पर पूर्वांचल की सीटों को लेकर मतदान किया जा रहा है। आदर्श जी बताइए क्या माहौल है उत्तर प्रदेश में, जनता क्या मुद्दे को ध्यान में रखते हुए मतदान करने निकली है? देखिए विवेक, हमने बहुत सारे लोगों से यहाँ पर बातचीत की, ना सिर्फ बनारस में बल्कि साथ साथ गाजीपुर बलिया और भी कई जगहों पर जहाँ पर हम गए हैं वहाँ पर लोगों से बातचीत की है। मुद्दे कमोबेश एक जैसे ही हैं, क्योंकि डेवलपमेंट खासतौर पर अगर यूपी के पूर्वांचल की बात करें तो पीएम मोदी का वाराणसी से चुनाव लड़ना भी एक बड़ा मैसेज है, क्योंकि पूर्वांचल की कई सीटें यहाँ से अफेक्ट होती हैं, चाहे हम घोसी की बात करें, बलिया, मऊ, गाजीपुर, या फिर आसपास की सीटों की बात करें, चंदौली है, सोनभद्र है, ऐसी तमाम सीटें हैं जो यहाँ से प्रभावित होती हैं। ऐसे में पीएम मोदी के यहाँ से चुनाव लड़ने की वजह से, साथ ही साथ यहाँ आने के बाद जिस तरीके के डेवलपमेंट, जिस तरीके की योजनाएं उन्होंने बनारस के साथ साथ आसपास के ज़िलों को दी हैं, तो कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा लोगों को हुआ है, और इसीलिए लोग डेवलपमेंट के नाम पर मतदान कर रहे हैं। हालांकि कुछ एक लोग ऐसे ज़रूर हैं जो अपने अपने मुद्दे के साथ सामने आ रहे हैं, लेकिन निश्चित तौर पर डेवलपमेंट एक बड़ा मुद्दा है, और जिस तरीके से काशी की यानी बनारस जहाँ पर हम मौजूद हैं वहाँ की संस्कृति के साथ साथ आधुनिकता जोड़ी गई है, इसका भी फ़ायदा ना सिर्फ यहाँ के लोगों को बल्कि जो यहाँ पर पहुँच रहे हैं बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए उनको भी देखने को मिल रहा है, और वो देखकर लौट कर जब जा रहे हैं तो फिर अपने अपने इलाकों में इस तरीके से बातें कर रहे हैं। चाहे अयोध्या की बात करें जहां पर राम मंदिर बना है, राम मंदिर के दर्शन के बाद भी जो लोग लौट रहे हैं उनके भी मन में कई तरीके के बदलाव है। निश्चित तौर पर डेवलपमेंट एक बड़ा मुद्दा है, और ये आदर्श आपने जो बात कही है, क्योंकि जब हम मतदाताओं से बात करते हैं ब्रजेश जी, तो दो बड़े कॉमन चीज फैक्टर निकलकर सामने आती है। जब उसे पूछते हैं कि मुद्दे क्या है तो समझ में आ जाता है, जो बात विकास की करे वो किस तरफ जा रहा है कि विकास एक डेवलपमेंट मुद्दा है, जो बात बेरोजगारी की करता है तो वो किस तरफ जाता है, ये भी एक समझ में आता है। मगर विवेक, हम लोग ने बहुत चुनाव कवर किए हैं, मगर जो मतदाता है ना उसको समझना बहुत मुश्किल होता है, वो बोलता कुछ है करता कुछ है, तो यदि सही बात निकलवाना बहुत ही मुश्किल होता है, मगर फिर भी कुछ ना कुछ हम लोगों को वो जानकारी तो मिली जाती है कि इनका झुकाव किस तरफ है। तो बड़ा मुश्किल सवाल होता है कि ये जो हमारे रिपोर्टर्स आदर्श वगैरह किसी से पूछते हैं कि आपने किस मुद्दे पर वोट किया है, तो आपने सही कहा कि यदि कह रहे हैं विकास के मुद्दे यानी सरकार के मुद्दे या किसी दूसरे मुद्दे पे बात कही, बदलाव के, हालांकि बदलाव की बात लोग बहुत कम करते हैं, मगर जो अभी आदर्श बोल रहे हैं उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि बनारस में एक प्राचीन और आधुनिकता का संगम किया गया है, जो विकास हो रहा है उससे कई लोग नाराज भी हैं। हम आदर्श से जानना चाहेंगे क्या आदर्श कुछ लोग वैसे भी मिले जिन्होंने इस प्राचीन शहर में जो बदलाव हो रहा है उसके खिलाफ नाराजगी भी जताई है क्या, और वो इसमें इस चुनाव में कोई मुद्दा है क्या? ब्रजेश जी, आज के 2 से 3 साल पहले जब हम बनारस आते थे रिपोर्टिंग के सिलसिले में, तो जो डेवलपमेंट का काम चल रहा था उस दौरान हम लोगों से बातचीत करते थे, तो कई लोग ऐसे थे जो नाराज़ थे, कई लोग ऐसे थे जो सड़कें चौड़ी होने की वजह से उनके मकान के कुछ हिस्से जब तोड़े गए या फिर आसपास के जो छोटे मंदिर थे जिनको हटाना ज़रूरी था वो जब तोड़े गए तो उस वजह से नाराज़गी उनके चेहरे पर उनकी बातों से साफ झलकती थी। लेकिन अब जब हम आते हैं, अब पिछले 1 साल से जब हम आते हैं, जब पूरा कॉरिडोर बनारस की गलियाँ बन गई हैं, कॉरिडोर बन गया है, सड़कें चौड़ी हो गई हैं, उसके बाद से जब लोगों से करते हैं तो वही लोग यानी वैसे ही लोग जिनके घर टूटे थे या जिनका और नुकसान हुआ था वो कह रहे हैं कि ठीक है साहब, कोई नुकसान हुआ लेकिन इसका फायदा मिल रहा है। बिल्कुल, विकास के साधक बन गए हैं आदर्श। कुल मिलाकर बात यह है कि जो लोग शुरुआत में उन्हें अच्छा नहीं लगता, कोई भी व्यक्ति अगर उसका निर्माण टूटता है तो उसे खलता ही है, लेकिन जब विकास की बात आती है तो सामूहिक रूप से एक समन्वय होना जरूरी है। हम दिल्ली चलते हैं क्योंकि सारी लड़ाई तो दिल्ली की गद्दी पर विराज होने की है, विराजमान जो होगा वो 4 जून को पता चल ही जाएगा, लेकिन अमृत जरा बताइए कि दिल्ली में क्या चर्चाएं चल रही हैं, राजनीतिक फिजाओं में किस बात को लेकर चर्चा सबसे ज्यादा है, क्योंकि आज तो एग्जिट पोल भी आएंगे, 4 तारीख को परिणाम आ ही जाएंगे, लेकिन चर्चा किस बात को लेकर है? देखिए विवेक, दिल्ली का जो माहौल है वो एक बड़े बिल्कुल एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी की तरह बन चुका है। यहाँ पे अब निगाह इस पर है कि जो लास्ट फेज का जो इलेक्शन चल रहा है, मतदान हो रहा है, उन सीटों पे किन किन पार्टियों का गणित किस तरह से, यही अंदाज़ा लगाया जा रहा है
दिल्ली में राजनीतिक पार्टियों के मुख्यालय में बस यही कॉपी पेन लेकर के लोग बैठे हैं कि पंजाब से कितनी सीटें आ सकती हैं, हिमाचल से क्या हो सकता है, पूर्वांचल में क्या स्थिति बन रही है, बिहार में क्या बन रही है, और जो जो बड़े फेस हैं उनकी क्या मौजूदा स्थिति है, ये चर्चाएं जो है हर पार्टी दफ्तर में देखने को मिल रही है। लेकिन इसी बीच में एक और एक साइकोलॉजिकल गेम हो रहा है, और वो ये है कि जो इंडिया ब्लॉक है वो आज एक बैठक बुलाया है। हालांकि इस बैठक में ममता बनर्जी मौजूद नहीं रहेंगी, इससे पहले भी उन्होंने कई बार मीटिंग से अपने को किनारा किया है, तो इस मीटिंग को लेकर भी एक चर्चा ये है कि जो इंडिया ब्लॉक मीटिंग बुलाया है, इस मीटिंग में क्या पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पहुंचेंगे, क्योंकि जब पंजाब दिल्ली में जब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ चुनाव लड़ रहे थे, अमृत एजेंडा क्या है इस मीटिंग का? सवाल इस बात को लेकर है कि परिणाम आने जा रहे हैं या चुनाव खत्म हो रहे हैं, लेकिन एजेंडा क्या है? क्योंकि ममता बनर्जी तो इंडिया गठबंधन में है भी और नहीं भी, कई ऐसी तस्वीरें सामने आ चुकी है। मुझे लगता है एजेंडा की बड़ी वजह, एक तारीख की बड़ी वजह यह है कि कल यानी कि 2 तारीख को अरविंद केजरीवाल जेल वापस चले जाएंगे, तो उनकी वापसी के पहले एक इंडिया गठबंधन के लोग बैठक करना चाहते थे, इसलिए आज की तारीख तय की गई है, जिसमें मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल जरूर आएंगे, क्योंकि कल वो वापस तिहाड़ जेल चले जाएंगे, उनकी जमानत की अवधि खत्म हो रही है, अंतिम जमानत के लिए उन्होंने जो फिर आगे बढ़ाने की कोशिश की थी वो खारिज कर दिया गया है, तो इसकी एक मुझे लगता है अमृत सही बताएंगे, क्या इसकी एक वजह यह भी है कि अरविंद केजरीवाल बैठक में आए? अमृत अच्छा नहीं, हमने सही बात बोल रहे थे, बनी है क्योंकि इंडिया ब्लॉक के अधिकांश पार्टियों का ये मानना है कि अगर बीजेपी बहुमत के आंकड़े से नीचे रहती है तो परिस्थिति जो बनेगी उसमें ये लोग किस तरह से एक्ट करेंगे, इनका समन्वय किस तरह से होगा, इसी की चर्चा को लेकर के ये बैठक होने जा रही है। ठीक है अमृत, लौट रहे हैं आपके पास, लौट रहे हैं और लगातार हम आपको मतदान की एक एक तस्वीर भी दिखा रहे हैं, जो नए नए तमाम बड़े चेहरे हैं वो भी आपको दिखा रहे हैं। तेजस्वी यादव आरजेडी के सबसे युवा चेहरे और आरजेडी की विरासत को अपने कंधों पर ढोते हुए, उसको आगे बढ़ाते हुए चुनाव प्रचार में उतरे थे, कमर में दर्द भी था, बेल्ट पहने हुए नजर भी आए थे, वो जब वोट करने पहुंचे तो उन्होंने क्या कुछ कहा है देख लेते हैं। देश का संविधान, लोकतंत्र जो बाबा अम्बेडकर ने जो लिखा है, आज हम सब लोगों को मिलकर उसकी हिफाजत की घड़ी आई है, और इसको हम लोगों को हिफाजत करना है, बचाना है और देश को आगे बढ़ाना। कैसे कैंपेन किया सर? तो ये तेजस्वी यादव को आप सुन रहे थे। ब्रजेश जी, मुद्दे जो हैं संविधान, आरक्षण, विपक्ष की तरफ से इन मुद्दों पर फोकस किया गया इन 7 चरणों में, और अगर बात की जाए सरकार की तरफ से या बीजेपी की तरफ से, तो बीजेपी ने सबसे ज्यादा जोर दिया कि डेवलपमेंट और अलग तरह की बातें निकल कर सामने आई, उस पर हम आगे चर्चा भी करेंगे, लेकिन जो तेजस्वी यादव का कैंपेन रहा है ये बड़ा इंटरेस्टिंग था, खूब भीड़ दिखी। हाँ बिल्कुल, तेजस्वी यादव एक बड़े कैंपेनर के रूप में उभरे हैं बिहार में। हालांकि दिलचस्प ये था, हमने जब पिछला विधानसभा चुनाव देखा था 5 साल पहले, क्योंकि इस साल फिर चुनाव हो जाएगा बिहार में, तो उस दरमियान भी तेजस्वी यादव की सभाओं में इतनी गजब भीड़ उमड़ती थी, लगता था कि आरजेडी नंबर 1 पार्टी बन के उभरेगी, मगर वो भीड़ वोटों में कन्वर्ट नहीं हो पाई। हमने देखा था तेजस्वी यादव दौड़ लगाते लगाते हेलीकॉप्टर में बैठते थे, एक सभा करते थे, दूसरी सभा करते थे, और बिहार और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अनियंत्रित तरीके से सभाएँ होती हैं, मध्य प्रदेश में तो जानते हैं कायदे से सभाएँ होती हैं, मगर बिहार और यूपी में जिस अनियंत्रित तरीके से सभाएं होती उस में भी तेजस्वी यादव ने बड़ा जोरदार कैंपेन किया था। इस बार फिर उन्होंने बहुत अच्छा कैंपेन किया है, बीच में कमर में दर्द हुआ, बेल्ट बांधा और उस बेल्ट को बांधने के साथ बताया भी कि मुझे तकलीफ है, और फिर और उन्होंने जिस तरीके से वीडियो बनाया हेलीकॉप्टर से, उनको एकदम नई चीज थी इस पूरे चुनाव की, जो हमेशा लंबे समय तक याद रहेंगे, मगर बात बड़ी वही है, वो बेल्ट और बेल्ट के साथ साथ बेड रेस्ट का भी जिक्र हुआ था। हम आदर्श की तरफ चलते हैं। आदर्श, जरा बताइए कि आज यूपी के लिए जो पूर्वांचल पर गणित हमें देखने को मिला है, हालांकि जिन 13 सीटों पर मतदान हो रहे हैं, 11 तो एनडीए ने पिछली बार जीती ही थी, लेकिन कई सीटें ऐसी थी जहां पर मार्जिन कम था, और उस पर चर्चा इसलिए नहीं हुई क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत बड़े मार्जिन से जीत दर्ज की थी, तो वो शायद हो सकता है कि वो छुप गया हो। इस बार क्या वो चुनौती दिखी है क्या? देखिए विवेक, पूर्वांचल के इस बार की लड़ाई उतनी आसान नहीं है बीजेपी के लिए, क्योंकि गाजीपुर, आजमगढ़, बलिया, घोसी, मऊ, ये वो तमाम सीटें हैं, देवरिया, तमाम सीटें हैं जहां पर बीजेपी के लिए इस बार थोड़ी मुश्किल होने वाली है, क्योंकि कांग्रेस का जो पुराना काडर वोट बैंक था और समाजवादी पार्टी का अभी का वोट बैंक, वो अब साथ है, ऐसे में निश्चित तौर पर लड़ाई
कांटे की होने वाली है और कांग्रेस के जो पुराने वोटर रहे हैं या उनके जो उनका कार्डर खत्म हो गया था, जो वोटर या उनके जो कार्यकर्ता थे बैठ गए थे, वो भी अब साथ में है। और ऐसे में पूर्वांचल बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इन 13 सीटों के, जैसा कि मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया था कि पीएम मोदी के वाराणसी से चुनाव लड़ने की वजह से कहीं ना कहीं 13 सीटों पर भी काफ़ी असर पड़ता है और वो इस बार भी देखने को मिलेगा। लेकिन लड़ाई उतनी आसान नहीं जितनी पिछली बार थी। आदर्श, मैं ये जानना चाहता हूँ कि पूर्वांचल में ऐसा क्या बदलाव हो गया पिछले चुनाव इस चुनाव में, क्यों इतना बड़ा फर्क दिख रहा है। हमारी सहयोगी श्वेता राय भी पूर्वांचल से लौट के आई, उन्होंने भी बताया कि इस बार चुनाव बड़ा डिफिकल्ट है, खासकर बीजेपी के लिए। पिछली बार जिस तरीके से आसान चुनाव बीजेपी ने लड़ा था, एक केक वॉक जैसा था, मगर इस बार स्थिति एकदम बदल गई है। बीजेपी में सारे प्रत्याशी वहां कड़े मुकाबले में दिख रहे हैं, तो इस मुकाबले की वजह क्या है? ब्रजेश जी, पिछली बार समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी भी साथ में थे, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि बीएसपी का जो वोट बैंक था वो तो समाजवादी पार्टी की सीट पर ट्रांसफर हो रहा था, लेकिन समाजवादी पार्टी का जो कार्डर वोट बैंक, खासतौर पर जो मुस्लिम और यादव वोट बैंक माना जाता है, वो बीएसपी की तरफ नहीं जा रहा था। और ऐसी ही दिक्कत ये भी हुई कि बीएसपी के जो वोट बैंक समाजवादी पार्टी के गठबंधन से नाराज थे, वो बीजेपी की तरफ चले गए थे। लेकिन इस बार स्थिति दूसरी है, इस बार बीएसपी साथ में नहीं है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ में है। तो ऐसे में जो नाराज लोग बीएसपी से जाति समीकरण की वजह से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के जो उम्मीदवार एक साथ आ रहे हैं उनकी तरफ भी जा रहे हैं, और बीएसपी के ही वोटर जो टूट के बीजेपी की तरफ भी जा रहे हैं। लेकिन साथ साथ इसके जो जाति समीकरण की वजह से बीएसपी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के वोटर एक साथ है, वो वोट ट्रांसफर करवाने में कहीं ना कहीं दोनों नेताओं ने क्लियर मैसेज दिया है, वोट ट्रांसफर होता दिख भी रहा है। तो कहीं ना कहीं इस वजह से इस बार पूर्वांचल का मुकाबला इतना आसान। बिल्कुल, ये गणित जो आदर्श बता रहे हैं ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको पूर्वांचल को अगर समझना होगा तो ये भी देखना होगा, चाहे वो घोसी हो, चंदौली हो, बलिया हो, मसली शहर हो या फिर मिर्जापुर हो, यहां पर चुनाव जो है बड़ा दिलचस्प हो गया है, लड़ाई बड़ी अच्छी नजर आ रही है, और इसलिए जनता की आप जब आ रही है तो अपनी भूमिका बखूबी निभा रही है। हम लौटेंगे आपके पास आदर्श, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में भी सभी लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है और मंडी से बीजेपी की उम्मीदवार हैं फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत। अपने बयान को लेकर हमेशा चर्चा में रहती हैं और उनको लेकर जो कांग्रेस की तरफ से ट्वीट किया गया था सुप्रिया श्रीनेत की तरफ से, वो काफी चर्चा में रहा था शुरुआत में। उन्होंने बातचीत की है मीडिया से, क्या कुछ आज उन्होंने कहा है जरा सुन लेते हैं। मैंने जो है वो वोट दिया है और मेरी सबसे अपील है जिन जिन क्षेत्रों में आज जो है वोटिंग हो रही है, इस जो हमारा सबसे बड़ा संवैधानिक अधिकार है, इस लोकतंत्र के महापर्व में जो है वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। और आज ऐसा लगता है जैसे कोई उत्सव है, हमारे सरका घाट में तो लग रहा है जैसे कोई उत्सव है, इस लोकतंत्र के महापर्व में जो है हिस्सा लें। और हमें जो लोकतंत्र का जो वरदान है, न जाने कितने लोगों का खून बहा ताकि हमें ये वोट करने का जो है अधिकार मिले, तो इस अधिकार का फायदा उठाए। तो कंगना रनौत को आप सुन रहे थे, इस अधिकार का फायदा मिले उनकी आखिरी लाइन ये थी। लेकिन ब्रजेश जी, इस मंडी का चुनाव का बड़ा दिलचस्प अब तक का समीकरण भी रहा है और बड़ा इंटरेस्टिंग रहा है पूरा कैंपेन। देखिए, दिलचस्प बात यह है कि कोई फिल्म कैसे तकदीर और आपकी सारी दिशा बदल देती है। कंगना रनौत चर्चा में आई रानी लक्ष्मीबाई कि उन्हें एक फिल्म बनाई है, उसके बाद से उनके तेवर एकदम बदल गए, मणिकर्णिका। हाँ, मणिकर्णिका। और उसके बाद लगातार राष्ट्रवादी बातें करने लगी, मुंबई में शिवसेना के खिलाफ बोलने लगी और फिर वो बीजेपी की नज़र में आई और बीजेपी ने उनको मंडी सीट जहाँ की वो रहने वाली हैं वहाँ से चुनाव लड़वा तो दिया, मगर भूल गए बीजेपी कि वहाँ पर बहुत मुकाबला बहुत कड़ा है, क्योंकि मंडी पूरी, खासकर मंडी सीट हमेशा से जो वीरभद्र सिंह है उनका गढ़ रहा है, वो जीते हैं वहाँ, उनकी पत्नी जीती हैं। और इस बार वीरभद्र सिंह के बेटे जो विक्रमादित्य सिंह है, जो हिमाचल प्रदेश में मंत्री भी हैं, उनको मैदान में उतार दिया है। तो पहली लड़ाई कंगना रनौत के लिए इतनी मुश्किल हो जाएगी, इस कंगना ने भी नहीं सोचा होगा, मगर इस बार वहाँ मुकाबला बहुत कड़ा है, मुकाबला बहुत दिलचस्प है। कंगना रनौत जिस तरीके से वहाँ लगातार बयानबाजी करके, कई दफ़ा वो ऐसे चर्चित बयान देती थी, बोल कुछ रही थी, निकल कुछ जाता है, हो कुछ जाता है, उस टाइप से उनके जो लगातार चर्चा में रही, मगर सबसे बड़ी बात यह है कि वो बहुत डिफिकल्ट और बहुत मुश्किल लड़ाई लड़ रही हैं। बिल्कुल डिफिकल्ट है। और अमृत चूंकि हिमाचल प्रदेश में रहे हैं, उन्होंने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से बातचीत भी की थी और मंडी पर भी वो घूमे हैं। अमृत, जरा बताइए हिमाचल का समीकरण और मंडी और हमीरपुर दोनों के बारे में विस्तार से बताइए। विवेक, देखिए हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा सीटें हैं। पिछली बार जो है भारतीय जनता पार्टी चारों लोकसभा सीटों को अपने नाम कर लिया था। इस बार जो है लड़ाई अगर कहेंगे तो अभी भी बीजेपी का अपर हैंड है, लेकिन जैसा कि ब्रजेश जी बता रहे थे कि
कंगना रनौत के लिए सीट आसान नहीं है बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे अगर देखेंगे पिछली बार जो उपचुनाव हुआ था लोकसभा का, पंडित रामस्वरूप शर्मा जो थे वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे, उनका अचानक निधन होता है और वहाँ पे एक सिंपैथी वोट होने के बावजूद वहाँ पे प्रतिभा सिंह जो कि वीरभद्र सिंह की पत्नी है और मौजूदा जो कैंडिडेट है विक्रमादित्य उनकी माता जी हैं, वो वहाँ से चुनाव लड़ती हैं और उपचुनाव जीत जाती हैं, और वो भी एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जो कि कारगिल युद्ध का वॉर वेटरन रहा है, होशियार सिंह जिनका नाम था, उनके खिलाफ जब चुनाव जीतती हैं तो अचानक प्रतिभा सिंह का वो कद भी बनता है और जो वीरभद्र सिंह का जो स्पेस खाली था उनके गुजरने के बाद वो उसको भरपाई करती हैं। दरअसल मंडी के ऊपरी इलाके जितने हैं, कुल्लू है, लाहौल स्पीति है, उसमें वीरभद्र परिवार की फैमिली का जो तमगा है वो एक राज परिवार का है और राज परिवार वहाँ के स्थानीय देवताओं से भी ऊपर माना जाता है, तो वहाँ के लोगों के बीच में यह मान्यता है कि वो राज परिवार के प्रति बड़े वफादार होते हैं। लेकिन जो मंडी के निचला हिस्सा है, मंडी खासतौर पर सरका घाट जहाँ से खुद कंगना आती हैं, सिराज क्षेत्र है जहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री जो है जो बीजेपी के थे वो वहाँ से आते हैं, उनके क्षेत्र में जो है कंगना को अच्छी बढ़त मिल रही है और यहाँ आबादी काफ़ी डेंस भी है, तो इस लिहाज से देखेंगे तो कंगना जो है वो टक्कर देती हुई तो नजर आ रही है, लेकिन उनके ऊपर पूरी तरह से आत्मविश्वास के साथ नहीं कहा जा सकता कि वो चुनाव जीत ही जाएंगे, क्योंकि अमृत अमृत एक एक मैं आपको इंटरप्ट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एक गणित जो आप बता रहे हैं ये महत्वपूर्ण है, लेकिन एक समीकरण 1989 से इसी सीट पर यह भी देखने को मिला है कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, अगर उपचुनाव को भी अगर पूरे आम चुनाव के तौर पर मान लिया जाए तो इस हिसाब से तो फिर बीजेपी का नंबर आ सकता है, ऐसा कोई गणित यहां पर फिर से काम करेगा? एक लंबा अरसा हम देख रहे हैं एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी। जी ये अगर कहेंगे प्रदेश चुनाव जो हुए हैं विधानसभा के उसमें काफ़ी हद तक देखा है, लोकसभा में इस तरह का उतना नहीं रहा है क्योंकि रामस्वरूप शर्मा जो है वो दो बार भी रहे थे, हमीरपुर से ही अनुराग ठाकुर हैं, लगातार 4 बार सांसद रह चुके हैं और जब वो 5वीं बार के लिए तैयारी कर रहे हैं, हमें हमीरपुर में हम लोगों ने अलग अलग उस लोकसभा में घूम करके देखा था, अनुराग ठाकुर का एक प्लस पॉइंट ये था कि वो हर जगह से चुनाव लड़ रहे थे और कांग्रेस इसी उधेड़बुन में थी कि उनके खिलाफ चुनाव मैदान में उतारा किसको जाए, पहले चर्चा रही कि कोई हैवी वेट आदमी जो कि बड़ा नाम है बड़ा चेहरा उसको उतारा जाए, लेकिन बहुत सारे नेताओं ने अपने कदम पीछे खींच लिए, बाद में एक दूसरे लीग के नेता हैं सतपाल रायजादा उनको उतारा गया, वो खासतौर पर ऊना जो कि पंजाब से जुड़ा हुआ इलाका है हिमाचल प्रदेश का वहां से आते हैं पंजाबी किंग आदमी है, तो उस बेल्ट को ये साधने के लिए कोशिश की गई कि सतपाल रायजादा को खड़ा किया जाएगा तो हो सकता है इनकम्बेंसी फैक्टर हो और अनुराग ठाकुर को हरा दिया जाए, लेकिन आपको बता दें कि अनुराग ठाकुर के लिए जो स्थिति है वहां पे जीत का अंतर कम हो सकता है, लेकिन अभी भी वो एक अमृत आप अनुराग ठाकुर की बात कर रहे हैं, आपने उनसे बात भी की थी, वो इंटरव्यू हमने देखा था, आपने तमाम मुद्दों पर बातचीत की थी उनसे, और आज अनुराग ठाकुर ने वोट भी किया है, वोट करने के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा है उनको भी सुन लेते हैं। मुझे लगता है कांग्रेस अगर एग्जिट पोल की चर्चाओं में भी भाग नहीं ले रही तो अपने आप में बहुत कुछ कहता है, 3 दिन दूर नहीं है, जैसे दोनों पहले इकट्ठे आए थे फिर दोनों अलग हुए, मुलायम सिंह जी की भाषा में कहूं तो उन्होंने कहा था दो लौंडे इकट्ठे हुए हैं, अब दोनों अलग। अमृत आपने एक अच्छी बात बताई कि हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों पर ऐसा लगा कि अनुराग ठाकुर ही चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या अनुराग ठाकुर इस पूरे हिमाचल प्रदेश के एक बड़े नेता बन के उभर रहे हैं क्या? जी बिल्कुल, आप ये कह सकते हैं कि जिसका प्रोफाइल इतना बड़ा हो गया हो कि वो केंद्रीय मंत्री भी है और लगातार खासतौर पे मोदी कैबिनेट में एक अच्छा मोदी सरकार के भीतर एक उसकी स्थिति एक अच्छी है, कॉन्फिडेंट जो है वो लगते भी हैं मोदी सरकार को लेकर के, प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के, तो जो हिमाचल प्रदेश में अगर देखेंगे न सिर्फ उन्होंने अपने लोकसभा क्षेत्र बल्कि जो कि कांगड़ा लोकसभा क्षेत्र है धर्मशाला वहाँ पर उन्होंने स्टेडियम बनाने में एक अहम भूमिका निभाई थी, HPCA को लेकर के जो इन्हेंसमेंट करना था वो काफ़ी ज़्यादा था, वहाँ पे एक साइंस स्टेडियम बना जिसमें लड़कियों को मुफ्त में ट्रेनिंग देने की बात थी वो किया, फुटबॉल को लेकर के भी उन्होंने कोचिंग सेंटर जो है अपने ही लोकसभा क्षेत्र में खुलवाया, बिलासपुर में एम्स लाने में उनकी एक अहम भूमिका रही है, साथ ही साथ चूंकि वो पहाड़ी इलाका है तो कई जगहों पर ऐसे हैं क्योंकि हमने चुनाव प्रचार में उनको ये देखा वो हर जगह ब्रिज और पुलों की बात कर रहे थे क्योंकि 4 लेन कई जगहों से गुजर रही है, तो कई खर्चीले ऐसे पुल हैं जहां पे नितिन गडकरी से उन्होंने पर्सनली रिक्वेस्ट करके पुल पास कराए जहां पे आबादी 200-300 इस तरह के गांव
हमें वो जाकर बिल्कुल अमृत और मगर एक अच्छी बात अमृत ये दिख रही है हिमाचल प्रदेश में, बाकी जगहों पे भी बना हिमाचल प्रदेश में एक अच्छी बात ये दिख रही है अमृत की अभी तक जो पोलिंग परसेंटेज हमारे सामने आया है विवेक उसमें सबसे ज्यादा पोलिंग परसेंटेज हिमाचल में हुआ है। हिमाचल में अब तक 14% से ज्यादा वोट पड़ गया है और ये वोटिंग परसेंटेज बनारस से भी ज्यादा है, ये वोटिंग परसेंटेज पश्चिम बंगाल से भी ज्यादा है।